तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है भाई। कि ये कहते हैं कि बेसिकली सन है, सन के अराउंड दो प्लेनेट एक चक्कर लगा रहे हैं। एक का नाम है, ठीक है, एक का नाम है बेसिकली अर्थ और एक का नाम है मार्स। तो ये मैं बना लेता हूँ, ये बेसिकली मार्स है और ये अर्थ है। ब्लू प्लेन, ब्लू से जुड़ी प्लेन वो अर्थ है। अर्थ जो है वो ज़्यादा पास है, तो यहाँ से बीच में यहाँ कोई सन है, तो उसको मैं रेड कलर से ही बनाता हूँ। तो ये बीच में सन है, दिस इज द सन। तो ये सन है बेसिकली, सन ये है ऐसे आगुगल्ला है, और इसके अराउंड दो प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं बच्चों। एक है मार्स, मार्स जो है वो दूर है, अर्थ जो है वो पास है, ठीक है। तो ये अपना अर्थ है और ये अपना मार्स है, और ये जो रेडियस है वो आर ई है, और ये जो रेडियस है आर्बिटल वो आर एम है। तो ये कह रहे हैं कि आर एम और आर ई की वैल्यू कितनी होगी, और टाइम पीरियड ऑफ मार्स जो है, मार्स कुछ टाइम पीरियड दिया है 1.88 ईयर्स होता है, और इसका जो टाइम पीरियड है बच्चों अर्थ का, इस अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो है 365 डेज। 365 डेज मतलब 1 ईयर। तो 1 ईयर इसका टाइम पीरियड कम है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा होगा और ये अर्थ के सन के पास होगा, ठीक है। तो अब केपलर्स लॉ तुम लगा दो, केपलर्स लॉ जब लगा दोगे तो केपलर्स लॉ क्या कहता है कि केपलर्स लॉ कहता है कि टाइम पीरियड का जो क्यू, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यू। मतलब आर ऑफ मार्स और आर ऑफ अर्थ का देखोगे तो ये टी ऑफ मार्स और टी ऑफ अर्थ की पावर 3/2, ये वाला इक्वेशन मुझे निकल के आता है। तो अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल देना है। मार्स का टाइम पीरियड 1.88 ईयर है और अर्थ का 1 ईयर है, तो ये फाइनली 3/2 है। तो जब फाइनली इसको सॉल्व करोगे आप, तो मार्स और अर्थ की जो रेडियस है, आर्बिट का रेडियस, इसको सॉल्व कर लेना, 1.52 आ जाता है। तो लेट अस कैलकुलेट, ट्राई योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।